हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हैं आप सब। छोटी सी कथा बड़ी ही खूबसूरत जो श्री शिव महापुराण में आ रही है वो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। शिव जी का महात्म्य है जो स्वयं शिव जी ने माता पार्वती से कहा था। चलिए भोलेनाथ की स्तुति के साथ शुरू करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे नकाराय नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव शंभो। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जी जगन माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विद्यमान थे। जगन माता ने उनसे अनुरोध किया, हे भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन बहुत ही मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो, पूर्व समय में कुशमांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था, अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके माता पिता भाई आदि सभी संबंधी ने उसे अपने आप से अलग कर लिया था। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मानता था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु महात्मा सत्पुरुष देवी देवताओं की निंदा करता था। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के बहुत सारी स्त्रियों के प्रेम में फंसता चला गया और प्रेम के वश में आके औरों के द्रव्य आदि की चोरी भी करने लगा। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित और दूसरा था पठारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण उसे बहुत सारा धन हाथ लगा, सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर उसने उन लोगों को वो धन देने से मना कर दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया और वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी, पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी। गिलास में रखा पानी जो था वह दूसरे ही स्वाद का था। इसमें क्या था, उसने वेश्या से पूछा, तो वेश्या ने कहा कि अरे यह तो मदिरा है। और मंडप को बड़ा दुख हुआ, मदिरा पान करके उसे महापाप लगा। यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा, पर वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती रही और उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी और उसका सारा धन लेकर चंपत हो गई और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा, पश्चाताप करता हुआ अपने दोस्तों के पास गया, उसे सारी आपबीती सुनाई। उसके मित्रों ने कहा, हे मित्र तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया, अब तुम इसका प्रायश्चित करो। तो उसने पूछा कि मुझे प्रायश्चित का उपाय बताओ, बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा, अतः तुम उस वेश्या से सुवर्ण को प्राप्त कर उस सुवर्ण का दान करो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ, वह उस वेश्या के पास गया, उसने वेश्या को अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से हाथ जोड़कर सुवर्ण की मांग की, पर वह तो लालची स्त्री थी। इस पर वेश्या बहुत बिगड़ गई और बोली, तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो, वेश्याएं कभी भी मिला हुआ धन वापस नहीं करती, क्या तुम इसका साधारण नियम भी नहीं जानते। इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय में जरा भी असर नहीं हुआ। उसने अन्य वेश्याओं को बुलाकर उसका घेराव कर लिया और सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी और कुछ ने तो उसको धमकी भी दे डाली, हे पार्वती। इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला, दोनों मित्र भी उसके पीछे पीछे चले। और जब मंडप अपने पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मंडप हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की थी, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है, अब तुम हम लोगों का अंश दो। यह बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत ही दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मैत्री कैसे हो गई। मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने इसे भावी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वेश्या के यहाँ चला गया, उसने सारा धन इसका ले लिया और वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है, वह धन वापस नहीं करेगी, अतः अब आप हमारा धन दिलवाइए अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे। इस पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया
मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित ना करने पर नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दीजिए। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राज दंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया वो बहुत बुरा किया। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम इसका प्रायश्चित करके नहीं आओगे, मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखूंगा। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए, दूर एक घने जंगल में ले गए और उस पर खूब उसकी भर्त्सना की। फिर बाद में उसको पीटना शुरू कर दिया और बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वो मर गया, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। और कुछ देर बाद जब मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक ओर चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ये देखने के लिए गए कि कहीं वो मर गया तो नहीं, या कहीं वो जिंदा है या नहीं है, उसके शरीर का क्या हाल है। पर मंडप वहाँ नहीं था। उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वो समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, जीवित है, शायद कहीं चला गया है। और उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्दमेश्वर के समीप रहे। मंडप भी वहीं रहकर सारी रात उसने भी जागरण किया और सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और उसकी इस बात को मान गए कि वह परम शैव कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शैव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन आरंभ किया और सज्जनों ने उसकी भक्ति को देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है, वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन हो, धन धान्य हो, श्रद्धा हो, यह भी मिल रही है। और मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहां काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप भी वहां रहा और उसका बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों में मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख रूप से भाग लिया। इससे प्रसन्न होकर सबने मंडप की बहुत बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव भक्ति में लग गया, हे पार्वती, और इस प्रकार मंडप ने मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करना शुरू कर दिया। ब्रह्म हत्या, सुरापान और चार्य कर्म आदि पापों से छुटकारा पाने के लिए वह मेरी स्तुति करने लगा और इस प्रकार से मेरी आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जिह्वा की लोलुपता से युक्त होकर केवल शिव शिव ये उच्चारण करने लगा। उसकी इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग किया और बार बार विलाप करने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी हो करके भी उसने स्वर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वेश्यागमन किया, सुरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चाताप से मंडप विवल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव शिव इसकी रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान और पूजन किया। सोमनाथ में उसने मेरा पूजन किया। सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। तदनंतर वृषभ ध्वज में आकर स्नान और देव पूजन किया। प्रातःकाल वरुणा संगम में स्नान किया और मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने आकर वहां भी बड़ा दान और पुण्य किया।
संदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया और वहाँ बहुत सारे महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप ने उन सब के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर पूछा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव के भक्त हो गए हो, पंचकोश आत्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुनकर मंडप ने कहा, हे सदस्य गणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुख दिखलाऊं। इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष अपने घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और शिव शिव शंभो शंभो महादेव महादेव ऐसा उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिये, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ हमें परम सुख दे रहा है, शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है। मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा, विलाप करने लगी और पूछा, हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ। मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मा गण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के पास आई और उनसे सारा वृत्तांत कहा। हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित हुआ है, उसका कहना है कि उसने प्रायश्चित करा है और उसके बाद वह पवित्र हो गया है, सभी सदस्य गण आपको बुला रहे हैं, वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए, उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा और पूछा, तुम क्यों आए हो, थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, इतना होने पर भी महात्मा गण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास गए, महात्माओं ने एक स्वर से कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड मुनि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया है, इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुने, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, उनका आवाहन किया और इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो गया है, यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है, अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए और इस कथा को सुनकर पार्वती माता अत्यंत ही प्रसन्न हुई, बोली, हे प्रभु, आपने यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथा कही है, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा, कृपा करके इस पर आप कुछ और प्रकाश डालें। इस पर शिव जी बोले, हे पार्वती जी, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो, बोलिए हर हर महादेव शंभो की जय, काशी विश्वनाथ की जय, केदारनाथ बाबा की जय, बद्री विशाल की जय। आज के लिए यहीं विश्राम लेते हैं, अगले आपको उसमें सुनाऊंगी कि किस प्रकार से भैरव जी की क्या कथा आई है, और त्रेता युग में समदर्शी शांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी कथा आगे अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगी। तो कनेक्टेड रहिए और सभी से, अपने भाई बहन बच्चे परिवार वाले माता पिता सभी से इस कथा को सुने सुनाएं और प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगाएं और बोलिए हर हर महादेव शंभू।